उत्तराखंड अपने विशिष्ट गांव, धरोहर और संस्कृति से प्रसिद्ध है। इन गांवों में कई प्राचीन मंदिर और स्थल हैं जो स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से पौड़ी गढ़वाल में कालिंगा मंदिर, रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। तो आज हम चलते हैं उत्तराखंड थैलीसैंड बुकाल खाल माँ कालिंगा नामक मंदिर। तो यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और इस मंदिर से कई जुड़ी कहानियाँ हैं। उसमें से एक कहानी आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि वहाँ के लोकल लोग मानते हैं और हम लोगों को बताते हैं। वहीं दूसरी कहानी भी उत्तराखंड में गोरखाओं ने जब गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लिया था, तब की भी एक दूसरी कहानी मौजूद है। तो आज हम पहली कहानी में गौर करते हैं, जो कि वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा बताई गई है। तो सबसे पहले तो यहां का जो वेदर होता है वो बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ही ठंडा वेदर है, क्योंकि यहां मंदिर ऊपर है, काफ़ी पहाड़ी में ऊपर बना हुआ है। और यहाँ की जो मतलब ये पौड़ी गढ़वाल का जो थैलीसैंड है, उसके बाद कुमाऊं बॉर्डर भी लग जाता है, अल्मोड़ा का बॉर्डर लग जाता है। तो कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए? उत्तराखंड थैलीसैंड बुखाल जो बीरोखाल में पड़ता है, बीरोखाल ब्लॉक है, तो सड़क से यहाँ मंदिर में हम जाते हैं। जैसे अगर आपको दिल्ली से या देहरादून से या कहीं से भी जाना है तो हम सीधा कोटद्वार जाएंगे और कोटद्वार से गुमखाल पाबो पेंडरी नलई बुखाल मार्ग से जा सकते हैं, जो एकेश्वर वाली रोड है, सीधे से उससे जाएंगे। एकेश्वर कोटद्वार और दुगड्डा की वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ तक कि चौबट्टे खाल भी मैंने आपको दिखाया। तो चौबट्टे खाल से सीधा आगे जाकर के, काफ़ी आगे जाकर के थैलीसैंड पड़ता है, यानी जो हम लोगों का इलाका है पौड़ी गढ़वाल का, उसका लास्ट बॉर्डर थैलीसैंड हो जाता है बीरोखाल, और वहाँ से फिर कुमाऊँ लग जाता है। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रमाणिक इतिहास तो नहीं है, किंतु आसपास के लोगों से जानकारी से मिली कहानी है। 1800 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ, कालिंगा मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर सा मंदिर है। पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ यहाँ मंदिर, तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक लोहार की बेटी थी, एक अपने दोस्तों के साथ गाय चरवाने गई थी, जिन्हें ग्वाले बोलते हैं। तो गांव के बच्चे जैसे कि बहुत ही मेहनती होते हैं और उनका काम होता है कि गायों को चराने ले जाना। तो जब सब बच्चे इकट्ठे होते हैं जहां गायों को चराने जाते हैं, तो वहां पे वो अपना गेम भी खेलते हैं। तो वहां वो लोग एक खेल खेलते हैं छुपन छुपाई, जैसे कि हम लोग भी खेलते थे छुपन छुपाई, तो वो भी छुपन छुपाई वहां खेलना शुरू करते हैं। अब ये होता है कि वह उस बच्ची को एक गड्ढा होता है उसमें छुपाते हैं और कहते हैं कि यहां पे तुम तब तक छुपी रहना जब तक कि ये कोई तुम्हें आइसपाई से या धप्पा तुम कर सकती हो। तो वह वहाँ पर छुप जाती है, तभी सारी गायें जो होती हैं, बच्चे अपने मगन होकर के खेलने लग जाते हैं, और जो गायें होती है वो
और वहाँ से आगे निकल चुकी होती हैं। अब ग्वाले क्या करते हैं कि गायों को खोजबीन करने के लिए वहाँ भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं अपनी गायों के पीछे, और उस बच्ची को वो वहीं भूल जाते हैं कि हमारे साथ वो भी थी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते थे पहले गाँव में। और अब जब शाम हो जाती है, बच्चे अपने घर चले जाते हैं, तो माँ बाप कहते हैं कि भाई हमारी बच्ची कहाँ है, उसकी खोज बीन होती है, वहाँ नहीं मिलती है। सभी हताश होकर घर की तरफ लौट जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक पुजारी के सपनों में क्रोध रूप में दिखाई दी, और उसने एक पुजारी को आप बीती सुनाई कि वह कैसे कैसे एक गड्ढे में रह गई, और उस गड्ढे पर भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। तब नौगांव, चौपड़ा, मल्लद, नलई आदि गाँव के ग्रामीणों ने माता का भव्य मंदिर बनाया। पूजा की जिम्मेदारी गोदा के गोदियाल को दी गई। हर वर्ष भवानी का मेला किया जाता है। पहले पशु बलि वहाँ करती थी, अब भव्य डोली, कलश यात्रा तथा एक विशाल झंडा जो कि सफ़ेद कपड़े और लाल कपड़े से एक डंडे में लपेट करके बनाया जाता है, और झंडे के सबसे ऊपर में चांदी की छतरी लगाई जाती है। प्रसाद के रूप में यहाँ अब रोट और नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह झंडा, मंदिर और डोली सारी देवी देवताओं का, यहाँ के देवी देवताओं का प्रतीक। बहुत सारे गांवों से होकर के यह झंडा और डोली ये होकर के मंदिर तक आते हैं, साथ में लोग आते हैं, और यहाँ ढोल डमाओं से स्वागत होता है। अब माँ कालिंगा और सारे देवी देवता खुश होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, तो ऐसा माना गया है। और वहीं दूसरी कथा है, काफ़ी लंबी कथा है वो कि जब गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल में हमला करके अपना कब्जा किया, तो वहाँ के राजाओं ने किस प्रकार से उन्हें बाहर खदेड़ा, तो वो कथा काफ़ी लंबी चौड़ी है, फिर आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। तो आपको यह कथा कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा, और एक बार माँ कालिंगा के दर्शन करने आप लोग भी जाइएगा। गढ़वाल के जितने भी छोटे मंदिर, बड़े मंदिर हैं, सबकी अपनी एक कथाएँ हैं, तो जब भी आप लोग जाएं तो कथाएं ज़रूर से सुने वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे। आशा करती हूं कि आपको यह कहानी भी पहले की तरह रोचक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो माँ कालिंगा का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।